अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने कुछ आप लोगों के लिए थोड़ी सी फन चीज भी, थोड़ा शोगल भी जो है वो इसमें ढूंढा है कि जर्मनी के अंदर आपको पता है कि जो डॉग्स हैं एज एज पेट्स, जो कुत्ते होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और इस वक्त जर्मनी के अंदर तकरीबन आई थिंक 9 मिलियन के करीब कुत्ते हैं, ठीक है, 9 मिलियन कुत्ते हैं। और हर पांचवा जो जर्मन हाउस होल्ड है उनके पास एक जो है वो कुत्ता है, एक डॉग है, एक पेट है। तो अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई, वो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि जर्मन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि हम ये लॉ लेके आ रहे हैं। उन्होंने ये लॉ एक प्रपोज किया है और प्रॉब्ली शायद वो पास भी हो जाए कि हर जो डॉग ओनर है वो कम अज कम दिन के अंदर 2 दफा अपने कुत्ते को जो है वो बाहर वॉक पे लेके जाएगा, और एटलीस्ट वो वॉक जो है वो 1 घंटे की होनी चाहिए। ये जो है ना वो लॉ आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो न्यूज जहाँ पे शेयर हुई हुई है, किधर गया किधर गया, ये है, ये देखें, डॉचे वेले की न्यूज है। जर्मनी डॉग्स मस्ट बी वॉक ट्वाइस अ डे अंडर न्यू रूल, पेट्स आर नॉट कैडली टॉयज, जर्मन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जूलिया क्लॉकनर सेड द न्यू रूल इफ पास वुड ऑल्सो लिमिट द नंबर ऑफ डॉग्स ओन बाई ब्रीडर्स एंड रिड्यूस मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पेट्स लिविंग क्वार्टर्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 9 मिलियन डॉग्स जो हैं वो जर्मनी के अंदर हैं, और हर पांचवें घर में जो है वो लोगों के पास जो हैं। और डॉग जो ब्रीडर्स हैं वो इससे बड़ा खुश नहीं हुए इस स्टेटमेंट से, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई ये तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे कुछ जो हमारे कुत्ते हैं वो तो बहुत ही बूढ़े हो गए हुए हैं, वो तो 1 घंटे की वॉक नहीं कर सकते। कुछ डॉग ओनर्स हैं उन्होंने कहा कि हम बहुत बूढ़े हो गए हुए हैं, हम 1 घंटे की वॉक नहीं कर सकते। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि आप लोग इस हिसाब से भी चीज़ें देखें कि इधर फर्स्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है और लोग किन किन चीज़ों के ऊपर लॉ लेके आ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। खैर एनी हाउ, ये तो मैं एक शोगल में बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जानवरों के जो राइट्स हैं उसके ऊपर लॉ भी पास आ रहा है, और बहुत ज़्यादा उनके राइट्स हैं, स्पेशली डॉग्स के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे कुत्ते रखना। मगर मैं इन जनरल, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं आपको ये बताऊं कि जर्मनी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहना क्योंकि महंगा होता है, ठीक है, और ज़्यादातर लोग घरों में नहीं रहते, वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं जैसे होता है सारी दुनिया में। अब वो अपार्टमेंट में बहुत लोग जो हैं वो कोई 1 कमरे के अपार्टमेंट में रह रहा है, कोई 1.5 कमरे के अपार्टमेंट में रह रहा है, कोई 2 कमरे के अपार्टमेंट में रह रहा है। उसमें भी अगर एक कपल वो रह रहा है या एक उनका बच्चा है या बच्चा नहीं भी है, उसी में उन्होंने कुत्ता भी घुसेड़ा हुआ होता है। अब 40 मीटर स्क्वायर का भी अगर आपका अपार्टमेंट है, या 50 मीटर स्क्वायर का भी, 60 मीटर स्क्वायर का भी, तो यार वो कुत्तों के लिए तो वो बहुत कम जगह है, ठीक है। और उसका होता क्या है, जो मैंने कॉन्सिक्वेंस उसका देखा है कि जब भी वो अपने कुत्तों को बाहर निकालते हैं शाम को या व्हाटएवर, जब भी उसको वॉक कराने के लिए लेके जाते हैं, कुत्ता जो है वो बिल्कुल पागल हुआ होता है, क्योंकि वो जाता है ग्राउंड में, उसने जो नेचुरल है उनके लिए खुली उनके पास स्पेस हो, वहां पे वो जाएं फिरें खेलें, वो जो आके वहां इधर किसी को छलांगे मार रहे, किसी पे इधर वो छलांगे मार रहे, दूसरे कुत्ते पे अटैक कर रहा। तो मेरा तो ये इसमें ये इनको सजेशन ही होगी कि, या मेरे ख्याल में तो यूं होना चाहिए कि इनको ये रेगुलेट करना चाहिए कि जो कुत्तों की जिसने रखा हुआ है उसके पास स्पेस कितनी है, या तो उसके पास कोई लॉन हो अपना, कोई उसके पास अपना गार्डन हो, कोई उसके पास कोई 5-6 कमरों का फ्लैट हो या घर हो, तो कोई आप कह भी सकते हैं। वैसे तो डोमेस्टिकेशन होनी नहीं चाहिए एनिमल्स की, मेरे ख्याल में तो ये है ही अननेचुरल, लेकिन चलो अगर रखा भी हुआ है लोगों ने, लोगों को बड़ा शौक है, तो उसके कम से कम उनको ये रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि इनका लॉ लाने का मकसद तो यही है ना कि जो सफरिंग है एनिमल्स की वो कम की जा सके। तो अभी जो जो उनकी कंडीशन है वो अजीब गरीब किस्म की है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों के पास, कई लोगों के पास बड़े बड़े कुत्ते होते हैं और वो 1-1 कमरे के अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, वो कुत्ता बेचारा शाम को निकलता है बाहर, वो बिल्कुल पागल हुआ होता है। तो ये खैर इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज थी कि अगर आप जर्मनी में आए, आपने कुत्ता रखा है यहाँ पे, तो 1 घंटे कम से कम वॉक करवानी है कुत्ते को। और हाँ, एक और इसके ऊपर मेरी मुझे जो मेरी सजेशन होगी वो ये होनी चाहिए कि, क्योंकि जर्मनी में जो मोटापा है, जो ओबिसिटी रेट है, वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। खैर अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में जर्मनी का नंबर भी ओबिसिटी में काफी ऊपर आता है। मेरे पास अभी कोई इसके ऊपर स्टैट नहीं है, लेकिन आप गूगल करके चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो इनको ये लॉ बनाना चाहिए कि जो लोग हैं उनको कम से कम हर रोज 1 घंटा या 2 घंटा वॉक करनी चाहिए,
इससे पहले कि वो कुत्तों को वॉक कराएं, चलो ये सबसे अच्छा ही होगा कि कुत्तों को वॉक कराएंगे तो खुद भी चल लेंगे, तो ओबिजिटी रेट आई थिंक कंट्रोल करें, और साथ ही कुत्ते जो हैं उनको उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाएं कि उनको एक एक कमरे के अपार्टमेंट्स में आ रखें। मैंने जो देखा है मोस्टली लोगों ने इसी तरह रखा है, एटलीस्ट बड़े शहरों में, गाँव में तो लोग रहते ही बहुत कम है। तो ये यार एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी।